देखिए खानपुर विधायक कुंवर पटेल सिंह चैंपियन का जो काफिला है गाड़ियों का, वो जलालपुर व दुर्गा कॉलोनी के निरीक्षण में निकला है और यहाँ से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन खुद गाड़ियों से निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन खानपुर विधायक एएसडीएम गोपाल सिंह चौहान खुद दुर्गा कॉलोनी व ग्राम जलालपुर में पानी की निकासी को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं और ग्राम के प्रधान मोहम्मद अफजाल भी उनके साथ में हैं। आप देख सकते हैं लगातार ग्रामीणों की, अपने क्षेत्र की जनता के समस्याओं के निस्तारण के लिए जनप्रतिनिधि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेकर सभी ग्रामीण इलाकों में जाकर मौका मुआयना कर रहे हैं और हर वर्ष ये मौका मुआयना करते हैं। बरसात के समय में तटबंधों का भी उन्होंने निरीक्षण करा था। इससे पहले वह दुर्गा कॉलोनी, मिलाप नगर, ढंडेरा अपने खानपुर विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में जाकर निरीक्षण करते हैं। अकेले ही पैदल निरीक्षण करने के लिए निकले हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। अधिकारियों से वार्तालाप करते हुए आप देख सकते हैं पानी की निकासी व रास्ते की मांग को लेकर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन व एएसडीएम गोपाल सिंह चौहान विधायक, आइए जानते हैं लगातार इनके द्वारा सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जल निकासी हो, कोई भी समस्या हो, उसके लिए लगातार ये उनकी समस्याओं का प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों को साथ लेकर उनका निस्तारण करने के लिए। आइए जानते हैं सर, आज आपने ग्राम दुर्गापुर में जाकर, जलालपुर और दुर्गापुर में जाके आपने दुर्गा कॉलोनी में जाकर आपने उनका निरीक्षण करा है, जल निकासी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्या करा है सर आज आपने? क्या देखिए, विगत कुछ समय से जब से हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, बिजली की स्थिति बहुत सुधर गई है और ऐसा होता है कि संसाधन का सदुपयोग के साथ दुरुपयोग होता है। हमारे गांव वाले भाइयों ने क्या शुरू किया, सबमर्सिबल पंप का बटन दबाया जिसमें एक बाल्टी से नहाता था, 10-10 बाल्टी पानी निकालने लगे, भैंसों को नहलाना, घर साफ करना, फलाना ढिकाना, सारा पानी सड़कों पर आने लगा, नतीजा जल भराव की समस्या हो गई। हमने अपने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की और संयुक्त निरीक्षण के लिए हम निकलते हैं, हमारे SDM, हमारे ASDM, हमारी BDOs, हमारे राजस्व कर्मी सब आते हैं। हम आज के फेज़ में पहले दुर्गा कॉलोनी गए जहाँ टोडा और जलालपुर की सीमा है, वहाँ हमने पाया कि सड़क में नाली की आवश्यकता है और ग्रेडियंट सड़क का बनाना पड़ेगा, बीच में वहाँ पे गहराई आ गई थी। दूसरी बात, जो सरकारी तालाब है उस तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया, अतिक्रमण के फलस्वरूप वहाँ पे पानी की निकासी रुक गई है। मैंने अपने SDM को आग्रह किया है कि वहाँ पर तत्काल राजस्व टीम को भेज करके उसका चिन्हीकरण कराएँ और जो सरकारी भूमि पर कब्जा है उसको कब्जा मुक्त करा करके वहाँ जल निकासी की व्यवस्था करें। अभी हम जलालपुर गाँव में आए हैं, यहाँ हमने देखा पूरे गांव में गंदगी रहती है, पानी भरा रहता है, हमने पूरा स्लोप जा करके पैदल देखा कैसे ग्रेडियंट बनेगा, कहाँ बनेगा। यहाँ भी नाली निर्माण के लिए हमारे SDM आए हैं, उन्होंने भी देख लिया है और आग्रह कर दिया है कि उस पर भी नाली निर्माण की जाएगी, जहाँ आवश्यकता है गहराई की जाएगी और आगे तक पानी जाएगा, नहीं तो जो सड़क पर पानी आ रहा है सड़क ध्वस्त हो जाएगी। सर काफ़ी लंबे समय से ये समस्या बनती आ रही है इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में, जल निकासी को लेकर कई बार सड़कें भी टूट चुकी है और इतने सालों से आप यहाँ के विधायक हैं तो उसको लेकर आप देखिए, जन जागरण जरूरी है। आप देख रहे हैं सड़कें यहाँ सब मैंने बनवाई हैं, नालियाँ बनवाई हैं, लेकिन नालियाँ भर जाती हैं, तो ग्रामीणों को सिखाना होगा कि अपनी सफाई व्यवस्था खुद करें, संसाधन हम बना देंगे लेकिन संसाधन को मेंटेन करना ग्रामीणों का स्वयं काम है, उनको सोशल सेंस, सिविक सेंस से काम लेना पड़ेगा। माननीय विधायक जी खानपुर, उन्होंने मुझे निरीक्षण के लिए यहाँ बुलाया था, चाहे वो दुर्गा कॉलोनी हो चाहे जलालपुर हो। तो सबसे पहले हम लोग दुर्गा कॉलोनी में गए और वहाँ मौके पे देखा कि जल भरा हुआ है और चाहे वो बरसात का पानी हो चाहे समरसिबल का पानी हो, तो उसको लेके जो मेन समस्या है, एक तो वहाँ पे नाली नहीं बनी है और दूसरा वो डाउन में है इसलिए वहाँ पर जल भराव हुआ है। दूसरा एक वहाँ पर जो सरकारी जो रोड है उस पर किसी ने अवैध अतिक्रमण ही कहूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ा स्पीड ब्रेकर टाइप का बना दिया है, उसको हम कल ही तुड़वा देंगे, जिसके वजह से जो निकासी हो रही थी इससे पहले वो भी नहीं हो पा रही है। दूसरा जो वहाँ से शिकायत आई है कि जो हमारा तालाब है, सरकारी तालाब है, वहाँ पे अवैध अतिक्रमण है, तो उसके लिए हमने
तहसीलदार को लिख दिया है कि वो एक टीम का गठन करें और कल से ही पैमाइश शुरू करवा दें, और अगर कोई अवैध अतिक्रमण किसी का भी पाया जाता है तो उसको तत्काल हम हटवा देंगे। दूसरा, उसके बाद सरी के साथ हम लोग जलालपुर में हम लोगों ने गांव का निरीक्षण किया। यहां पे भी समस्या नाली की है, पानी निकासी की है। स्लोब, पर्याप्त स्लोब नहीं होने के वजह से यहां पे जल भराव हो रहा है, तो इसका भी मौका मुआयना कर लिया है। और प्रधान जी के माध्यम से एक एप्लीकेशन भी आई है कि, और इनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए पर्याप्त बजट है, तो हमने इनको बता दिया कि हमारी जो भी मदद होगी, चाहे वो अगर किसी का अवैध अतिक्रमण है वो भी तोड़ना होगा, अगर किसी का विरोध है उसको भी हम समझाएंगे कि सरकारी कार्य में बाधा ना डालें, क्योंकि ये समस्या केवल एक आदमी की नहीं है, सभी की समस्या है। तो उसको लेके हम लोगों ने मौका मुहैया किया है, और जल्दी ही 2-4 दिन में इसमें कार्रवाई होगी।